एक जब हम सागर जहाँ भर्ती परीक्षा की तैयारी करना शुरू करते हैं, सबसे पहला टॉपिक हमें जो मिलता है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जनरल स्टडी की बात करेंगे तो पहला जो मिल जाता है टॉपिक या टर्म वो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अंग्रेजी में उसे कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। तो ये टॉपिक वास्तव में बहुत ही आसान है और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बेहद कम होती है, लेकिन फिर भी है कि आपके सिलेबस में तो पढ़ना पड़ेगा ही। कि जैसे जब हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सभी ग्रह के साथ पृथ्वी हमारे ग्रह का निर्माण हुआ, और जिस समय पृथ्वी बनकर तैयार हुई थी इस समय उत्तप्त गर्म का गोला था। कैसा था? उत्तप्त पृथ्वी गर्म का गोला हुआ था और एकदम दहकता हुआ अंगारा जैसा था। लोग कहते हैं कि जैसे दहकता कोयला नजर आता दूर से देखने में, वैसी हमारी पृथ्वी की स्थिति थी जब पृथ्वी का जन्म हुआ था। ठीक कि कब? जब पृथ्वी का जन्म हुआ था। फिर जन्म होने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ? ठंडा होना शुरू हुआ। ठंडा होने के बाद एक क्रम ऐसा आता है कि जब यहाँ पे खूब बारिश होती है, बारिश के लिए कई फैक्टर जिम्मेदार है, क्या क्या ऐसे रीजन थे जिस वजह से बारिश हुई। फिर बारिश होने के बाद फिर और ये पता चलता है आगे चल के कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद हमने ये देखा कि एक महाद्वीप बना और एक महासागर बना। जो उथला हुआ हिस्सा रह गया वो महाद्वीप बन गया, जहाँ जली जमा हो गए महासागर बने। तो बाद में हम लोग आगे चल के देखेंगे कि अल्फ्रेड वैगनर नामक विद्वान आते हैं, वो ये बताते हैं कि पहले सातों महाद्वीप एकल महाद्वीप था, इसे उन्होंने पेंजिया कहा। चारों तरफ जो जली जमा था उसको उन्होंने नाम पैंथालासा रखा। फिर पेंजिया का उन्होंने बताया विभंजन हुआ, उन्होंने कार्बनिफेरस युग से स्थिरी की शुरुआत की थी, उन्होंने बताया कि हुआ पेंजिया का विभंजन हुआ। पेंजिया टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड से तीन महाद्वीप बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, और एक द्वीप बना कौन? ग्रीनलैंड। जबकि दक्षिण का हिस्सा जो था गोंडवाना लैंड वह भी टूटा, उसके टूटने से चार महाद्वीप बने, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। जबकि भारतीय प्रायद्वीप भी किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। जब दोनों महाद्वीप एकल महाद्वीप पेंजिया टूटकर अलग हुआ तो उनके बीच में जली जमा हो गया। मतलब अगर हम इसको मैप में देखना चाहें तो ये था पूरा पृथ्वी था एकल रूप से, बीच में हिस्सा आया क्या? एकल महाद्वीप पेंजिया, पेंजिया का विभंजन हुआ, दो भागों में टूट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, इससे तीन महाद्वीप बने, इससे चार महाद्वीप बने। बगल में जो जल था इसका नाम पैंथालासा था, इसका नाम 33 महासागर था। हमने पैंथालासा 33 महासागर देख लिया, ये दोनों दृढ़ भूखंड थे, इनसे टूटकर तीन महाद्वीप बने, इनसे चार बने। तीन कौन कौन बने? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, बीच में छोटा सा हिस्सा यहाँ से टूटकर अलग हुआ ग्रीनलैंड। जबकि इससे चार महाद्वीप बने, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। यह हिस्सा भारतीय प्रायद्वीप भी जाकर, जो भारतीय प्रायद्वीप है कभी न कभी ये किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। इसका नाम था अंगारा लैंड, इसका इस नाम था गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में जो सागर था 33 सागर था, 33 सागर था। ये जो सागर था पैंथालासा था, क्या था? ये पैंथालासा सागर था। फिर आगे देखते हैं ये इसका विभंजन होता है, ये पहले संपूर्ण रूप से जब था ये पूरा पेंजिया था, जब पूरा एकल था तो क्या था? पेंजिया था। जब दोनों महाद्वीप संयुक्त रूप से मिले थे क्या था? ये पेंजिया था। इस तरह सात महाद्वीप का निर्माण हुआ। महासागर की बात करें तो जब टूट कर अलग हुआ तो जो ये हिस्सा था ये प्रशांत महासागर बना, बीच का जो हिस्सा था यहाँ का ये हिस्सा वो आपका 33 महासागर, बाद में चल के यहाँ पे हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, यहाँ पे हिस्सा जो बना अंटार्कटिका महासागर, ऊपर आर्कटिक, अटलांटिक और आर्कटिक, ये पांच महासागर का भी निर्माण हुआ और सात महाद्वीपों का निर्माण हुआ। आगे क्रम में हम लोग पढ़ेंगे इसी क्रम में पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। फिर हम जब संरचना की बात करेंगे, ये महाद्वीप बन गए, महाद्वीप बनने के बाद क्या बन गए? महासागर बन गए। महाद्वीपों के बारे में
आपको पूरे देश के नाम रखने हैं, कौन कौन से देश कहाँ कहाँ हैं, ये आपका काम है। मैप अपने सामने रखेंगे, सभी मानचित्र को देखेंगे, यह देश कहाँ है, कोई भी देश का नाम आपके मन में आ जाए उसको देख लीजिए, उसकी क्या विशेषता है इसको पढ़ लीजिए। ये सहायक अध्यापक का परीक्षा है, लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की परीक्षा तो है नहीं, तो उस आधार पर ही आपको ये पढ़ना होगा। फिर अब आते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि मानव चंद्रमा पर पहुँच गया, अभी चंद्रयान टू गया, मंगल ग्रह तक पहुँच गया, हमारे ग्रह बुध ग्रह तक पहुँच गए, मंगल ग्रह तक हमारे सैटेलाइट पहुँच गए, हमारे यान पहुँच गए, किंतु मानो अंतरिक्ष में तो पैर जमा लिया अपना, लेकिन वो जमीन की गहराई में नहीं जा सका, पृथ्वी की गहराई में नहीं जा सका, क्यों, उसका भी क्या कारण है। मतलब मानो को ये पता है कि चंद्रमा कैसा दिखता है, चंद्रमा की धरती पे सबसे पहले नीरवाल स्ट्रांग अपोलो 11 से 1984 को उतर जाते हैं, सर 84 को नहीं 69 को ही, 84 में तो राकेश शर्मा जाते हैं, पहले अपोलो 1969 में पहुंच जाते हैं, मानव चंद्रमा पहुंच जाता है, नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, यूरी गागरिन, ये लोग पहले चंद्रमा की धरती पहुंच जाते हैं। इसको अभी इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको भी पढ़ा देंगे तो आप बात रखें सर सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, इसको हम लोग 5 नंबर पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नाम से, चीज़ें यही है लेकिन हम अलग से पढ़ा देंगे तो 5 नंबर आपका तैयार हो जाएगा, तब कहेंगे हाँ सिलेबस पूरा, इसलिए यहाँ नहीं बताएंगे, यहाँ बताएंगे तो आप कहेंगे तो हमने जीएस में पढ़ा था इसको फिर से पढ़ाइए, इसलिए यहाँ छोड़ देते हैं इसको, ये टॉपिक पूरा 5 नंबर का, बस इसी की कहानी बता देंगे 20 मिनट कि कैसे कैसे कौन कौन से यान कब गए थे, कौन कौन सा कारण क्या था, मिसाइल कौन कौन सी है, इनके नाम जान लेंगे तो आपका 5 नंबर तैयार, लेकिन यहाँ पढ़ लेंगे तो कहेंगे सिलेबस तो छूटा है, इसलिए आप इसको ब्रेक कर देते हैं। मिला के वो 1.5 घंटे का टोटल टॉपिक है, उसमें केवल ये जानना है कि पहले राकेश शर्मा गए थे, फिर कल्पना चावला कब गई थी, किससे गई थी, इस चीज़ को है। अब आते हैं, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या करें, उसकी बात करें, तो हम ये ले लेते हैं पृथ्वी कैसी है, हमने तो देखी नहीं है, आपने देखी है, हमने तो नहीं देखी है, आपने देखा है, आपने देखा है कैसा होता है, हमें तो ये नहीं पता अंडाकार होता, अंडा कैसा होता है ये भी हमने नहीं देखा, हाँ संतरा कैसा होता है ये भी तो हमें नहीं पता, ये जिगजैग मोशन में होता है, ऊपर से दोनों तरफ चपटे हैं, क्योंकि इसका ध्रुवी व्यास और भूमध्य रेखीय व्यास में अंतर होने की वजह से हमें कह सकते हैं कि पृथ्वी ऊपर से दोनों तरफ हल्की चपटी है, नज़दीक से देखने पे जिगजैग मोशन में दिखता है। इसे गुलाब की पत्तियां आपने देखा होगा, पता नहीं कैसे बनता है, एक तरह का डिजाइन आता है उसकी तरह से नहीं बन पाता, ठीक, ये गुलाब की पत्ती देखिए इस तरह से जिगजैग मोशन में होता है, ठीक। अब पृथ्वी का हम एक टुकड़ा काटते हैं यहां से, ये हिस्सा काटकर इसी का अध्ययन करेंगे, तो हमने ये देखा कि मानव चंद्रमा पहुंच गया, सही, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन पृथ्वी गहराई तक नहीं पहुंच पाया, पृथ्वी के अंतरतम भाग तक नहीं पहुंच पाया, क्यों, क्या ऐसा कारण था कि मनुष्य चंद्रमा तक तो पहुंच गया लेकिन पृथ्वी गहराई तक नहीं जा पाया। क्यों नहीं गया मानो, क्या ऐसा कारण था, क्या वहां से बुलावा नहीं आया था, फोन नहीं आया था, तब कैसे गए, नीचे खुदाई करके जाएंगे, सुरंग बना कर जाएंगे, ड्रिल मशीन से जाएंगे, कैसे जाएंगे बताएं, क्यों नहीं गया, क्या कोई कारण था, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, का मतलब कोई तो ऐसी कठिनाई आ रही है जो उसे अंदर जाने से, क्या ऐसी कठिनाई है, उसी को पढ़ेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना में जाना आज भी मानव के लिए एक पहेली सी प्रतीत होती है, तो मानव पृथ्वी के आंतरिक भागों को अभी तक जान नहीं पाया, देख नहीं पाया है, तो क्या करता है, इसकी कल्पना करता है, कि जैसे हम कल्पना करते हैं कि सुपर टीटी का पेपर कैसा होगा, सिलेबस कुछ हो लेकिन पेपर आने का तरीका उसका, सिलेबस से पेपर नहीं आता, हम किसे, आप कल्पना करते हैं, हम कल्पना करते हैं, तो इसी अपनी कल्पना के पेपर पता नहीं बहुत कठिन आएगा, पिछली बार नहीं हुआ मेरा, पता नहीं इस बार होगा कि नहीं होगा, या इस बार पेपर कैसा आएगा, आपने बहुत कठिन आएगा, हमें तो लगता है कि जैसे
वो पूछने का जो आधार बेसिक होता है वैसे प्रश्न पूछते जाएंगे, जैसे 18-27 मई को पूछा था, 6 जनवरी को पूछा था, इसे आगे पूछेंगे। हम ऐसा लगता है, वो आपको लगता है कोई बड़ा सा पहाड़ होगा, जैसे भी आपसे कह दे कि अभी इसमें आगे आएगा, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान, चट्टान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं चट्टान, पर्वतों को चट्टान कहते हैं। तो जैसे भी आपको चट्टान लग रहा है, ऐसे आपको सुपरटेट का सेल्वस लगता है, सेम ऐसे। जैसे चट्टान शब्द का प्रयोग करते हैं, दिमाग में बहुत बड़े पत्थर का टीला बन जाता है, बन जाता, अपने आप बन जाता है। ये सुपरटेट कहते हैं बहुत बड़ा पहाड़, पता नहीं कैसे पास हो, इसलिए तो पहले पढ़ने आए, ऐसे होता है दिमाग में कि बहुत अभी तो अभी से पढ़ना शुरू कर दिए, पता नहीं कैसा सीटेट होगा। ठीक, तो वैसे भूगोल की भाषा में अगर सीटेट को पढ़ना चाहें तो भूपृष्ठ पे या भूपटपटी पाया जाने वाला समस्त पदार्थ जो बालू का स्तूप की तरह कठोर एवं चिकन मिट्टी की तरह मुलायम हो, सभी चट्टान कहलाते हैं। सभी क्या है, चट्टान है। तो वैसे हमें क्या लगता है, सभी पेपर तो वैसे आएंगे, अधिकारी आईएएस थोड़ी बनाना है, जब भी बनाएंगे तो मास्टर ना बनाएंगे, मास्टर का नाम कुछ बनाएंगे, तो पेपर मास्टर का स्तर का होगा। सिलेबस दिखाते हैं कुछ, पूछते हैं कुछ, क्योंकि उसका भी एक बेसिक आधार होता है प्रश्न पूछने का। तो उसी तरह मानव ने भी क्या किया होगा, अंदर घुसने का प्रयास किया होगा, लेकिन जाने में क्या रहा, असफल रहा, बार बार प्रयास कर रहा है। तो इसलिए ऐसा क्या कारण है, देखते हैं कि मानव ने फिर भी बता दिया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। कौन बताया, मैंने ही नहीं बताया, आपने बताया, इन्होंने बताया, इन्होंने बताया, कैसी है, खाए पे परिवार से है, पतली सी है, 12 फीट लंबाई है, कैसी है बताइए, कैसे पता चला। दो चीज़ें होती, या तो कल्पना करना, या तो कोई बताए से भी पूछ दिया जाए कि बम्बई कैसी दिखती है, अरे हरियर दिखती है, पियर दिखती है, नीला दिखती है, उज्जर दिखती है, सफ़ेद दिखती है। तो दो चीज़ें, या तो बम्बई सोचेंगे, पता नहीं बम्बई बहुत, वो बताएंगे ना, दो तरीके, एक तो कोई आएगा बताएगा बम्बई के बारे में, कैसे जानेंगे, कोई आएगा बताएगा बम्बई बहुत बेस्ट शहर है, अगर प्लेटफॉर्म पे खड़े होगा ट्रेन में घुसना, खाली खड़े हो जाइए आपको अंदर कर देंगे, उतरना गेट पे खड़े हो जाइए आपको बाहर कर देंगे, असुस्त होंगे बहुत भीड़ भाड़ भरी, मतलब आपने देखा नहीं है। इसे कौन सा साक्ष्य कहेंगे, स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, कोई मने गया घूम क्या बताएगा ऐसा ऐसा है, अब गोवा नहीं गए हैं कि बताएगा गोवा गए थे, बहुत बड़ा बीच था, खूब पानी आ रहा था, खूब दौड़े थे, वहाँ पे गए, गाड़ी नहीं लिए, गाड़ी किराए पे ले लिए और पूरा दिन दौड़ाए, हम तो स्कूटी किराए पे लिए थे, हम तो बुलेट किराए पे ले लिए थे, ठीक, एक दिन का 200 रुपये किराया था, पेट्रोल भरा के जितना मन उतना चलाइए, तो लगेगा ना गोवा ऐसा था। तो क्या हुआ, एक कैसा साक्ष्य मिला आपको, कैसा स्रोत मिला, प्रत्यक्ष, कोई मने ही आके, कोई मेरारू आके देख के बताया आपको, आपको उत्तराखंड घूमना है, देहरादून, अन्य जो दून की घाटियाँ हैं आप लोग तो जानते हैं, प्रसिद्ध स्थल है, ऐसा है नहीं आप लोग को ना पता हूँ, भाई पढ़ रहे हैं, सिलेबस आपका है। तो एक तरह से होगा, फिर सोचेंगे पता नहीं कैसा होगा, जब कभी नहीं गए कैसे सोचेंगे, बड़े बड़े पेड़ होंगे, बड़े बड़ा खरगोश होगा, गधा होगा, ढेर सारी गधैयाँ होंगी, ढेर सारी, कहाँ पे, वहाँ पे, या तो कोई देख करेगा बताएगा, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, पूरा रमणीय घाटियाँ होती हैं, पर्वतों से ढाल पर है, इसलिए लोग वहाँ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको दो तरह से किसी भी स्थान की जानकारी मिल पाएगी, या तो कोरी कल्पना होगी, या तो कोई देख कर आके। इसी तरह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के भी दो स्रोत हैं, एक तो प्रत्यक्ष स्रोत हैं और एक अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। अब आके देखते हैं कौन कौन से हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत कैसे पता चलेंगे, इसका क्या मतलब है। अब यार टॉपिक का नाम डाल दें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जैसे पिक्चर शुरू होने से पहले ढेर सारा प्रचार उचार आता है, बताता है सामने देखा हुआ पिक्चर के पात्र घटनाएं सभी काल्पनिक है, किसी भी इसका जीवित मृत व्यक्ति से कोई संबंध, तो अभी तक वही चल रहा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो हमने बताया था वह इसकी आधारभूत बेसिक थी। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह आपके लिखने योग्य है, तो लिखिए ना लिखिए जो समझ में। तो हम लोग पढ़ते हैं, इसे कहते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। इसे मन ही अंदर से कैसा दिखता है, हड्डी कंकाल है, चमड़ा ऊपर लगा चिपकाया हुआ है, ऐसे ये भी है पृथ्वी की आंतरिक। तो इसके दो स्रोत हैं जानने, जैसे बम्बई कैसी है, पता नहीं कैसी है, कोई बम्बई से वाला है क्या बताएगा, या तो बम्बई सोचेंगे बम्बई होगा बड़ा बड़ा
घर होगा, बड़े बड़े मनई होंगे, अच्छा फुट के होते हैं 15-15 फुट के मनई होंगे, 18-18 फुट की मेहरारू होंगी, ऐसा सोचते होंगे। कैसे कल्पना करना है तो यहाँ भी देखेंगे, हम लोग कल्पना करेंगे। एक तो आएगा आंतरिक स्रोत, इंटरनल सोर्स, ठीक। बाह है आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत, माने जो बंबई घूम कर आया बंबई के बारे में बताएगा, दूसरा जो कभी नहीं गया है वो बताएगा। अच्छा, आंतरिक स्रोत में क्या क्या आता है? सही जवाब, आप बताइए। कोई बात नहीं, आपने प्रयास किया, ये ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, और आपने प्रयास किया, ये बड़ी बात है। आंतरिक स्रोत में आते हैं क्या क्या? पहला क्या? पहला क्या? पहला कौन स्रोत? तापमान, टेम्परेचर, घनत्व, डेंसिटी। तीसरा तापमान, घनत्व, दबाव, प्रेशर। बाह्य स्रोत में बताएगा भूकंप, नहीं पहले ज्वालामुखी लिख देते हैं, ज्वालामुखी, वेलकेनो, दूसरा ज्वालामुखी, दूसरा भूकंप, अर्थक्वेक। यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जानने के दो स्रोत हो गए, आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत में तीन है, इंटरनल सोर्स, आउटर सोर्स, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, वेलकेनो, अर्थक्वेक। ठीक, ऐसे प्रश्न आपके हिंदी में आएंगे, ठीक है। तो अब हिंदी शब्द का ही प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी नहीं, हमको खुद अंग्रेजी नहीं आती, ठीक ना? जैसे आप हैं वैसे हम भी हैं, है ना? वैसे ही चलिए अब आते हैं, एक एक क्रम से पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, क्योंकि यह टॉपिक जैसे ही पढ़ेंगे आपका सिलेबस बड़ा हो जाएगा अपने आप। और जब बड़ा हो जाएगा तब आप कहेंगे सर सिलेबस के बाहर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको ये बताएंगे कि आप हमारे अनुसार पढ़िए। अगर अपने अनुसार पढ़ना है सिलेबस पढ़ाएंगे, हमारे अनुसार पढ़ाएंगे हम हर एक क्रम को तोड़ेंगे। जब भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप पढ़ाएंगे तो महाद्वीप पूरा पढ़ा देंगे, क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी जहाँ जहाँ है वहाँ की व्याख्या करेंगे, भूकंप जहाँ जाए उस महाद्वीप की व्याख्या करेंगे। तो हम आपको महाद्वीप न पढ़ाएंगे तो अपने आप महाद्वीप जान जाएंगे, क्योंकि महाद्वीप पे महाद्वीप नहीं याद करना है, इन्हीं सबको याद करना है, बात समझ? क्योंकि सारे इंक्लूड है। ज्वालामुखी उद्गार हुआ फिर वहाँ से चट्टान बनना बता देंगे, भूकंप बताएंगे तो देश का बंटवारा मतलब देश के बारे में बताएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या था, कहाँ भूकंप आ सकता है, कहाँ नहीं आ सकता, क्या कारण है, तरंगे क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग व्याख्या क्रम से करेंगे। अभी हम लोग आते हैं तापमान की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है, इसको मिटा के नया काम शुरू कर रहे हैं, मिटा दे इसको, कोई समस्या यहाँ से होगा तो इसको लिख लीजिएगा। पृथ्वी कांति सूचना जानने के दो स्रोत हैं, अच्छा कौन कौन? दूसरा अब पढ़ लें, इसको मिटा देना, आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा, फिर पहला टॉपिक इसमें है, क्या लिखा आपने? तापमान, अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं क्या उसको? थोड़ा बताते रहिएगा, हमको कम आता है ना। तापमान, पृथ्वी की गहराई में ज्यों ज्यों जाएंगे
अगर हम पृथ्वी की बात करें, ज्यो ज्यो उसके गहराई में जाएंगे त्यो त्यो टी का मान क्या होगा, बढ़ता जाए। इसलिए अभी तक पृथ्वी के अंदर मनुष्य नहीं पहुंच पाया। ज्यो ज्यो पृथ्वी की गहराई पे जाते हैं, इसके आंकड़े अलग अलग हैं, लेकिन आगे हम लोग जब पढ़ेंगे, ये पृथ्वी का मन बताया, एक टुकड़ा हमने काट लिया, काटने के बाद एक स्थान ऐसा आता है, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है, यहां द्रव अवस्था में हो जाता है, ठीक, ये कैसा स्थान हो जाता है। हमने ये देखा कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है उस समय उत्तप्त लावा निकलता है, इसका टेम्परेचर 3000 से लेकर 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होता है। इससे बात स्पष्ट होता है पृथ्वी की जो जो गहराई पर जाते हैं तो तापमान क्या होता है, ठीक। प्रारंभ में प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लेकिन यह आंकड़ा 8 किलोमीटर तक, फिर बाद में प्रत्येक किलोमीटर जाने पर 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, फिर 1 हो जाता है। इसी क्रम में लगातार आंकड़े क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। आंकड़े आपके परीक्षा में नहीं पूछेंगे, बस इतना जानिएगा कि ज्वालामुखी एक ऐसा प्रत्यस्रोत है जो यह बताता है कि पृथ्वी कहीं न कहीं अगर अंदर द्रव अवस्था में है, इसका मतलब अंदर जाने पे लगातार तापमान बढ़ता है। इसका प्रमाण जब खदानों में जाते हैं, कोयला खोदते हैं, तो वहाँ दिखाई देता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पे तापमान में लगातार वृद्धि होती, ठीक, समझ में आ रहा है। यह बात स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी के जो जो डीप में जाएंगे, जो जो गहराई में जाएंगे, तापमान एक समय ऐसा आएगा कि ये चट्टानें भी किस अवस्था में होंगी, कैसा द्रव, सॉलिड लिक्विड, कैसा द्रव, सॉलिड लिक्विड, ठोस द्रव, ठोस द्रव, अभी बताएंगे क्या है आगे, समझना कि एक बात स्पष्ट हुआ। इसलिए मानो इसके अंदर अभी तक प्रशांत महासागर में ड्रिल मशीन से खुदाई करके केवल 8 किलोमीटर तक जा सका है, अधिकतम 2 किलोमीटर तक खदानों से जाया है, लेकिन इतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है वहां रह पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मानव चंद्रमा पर तो पहुंच गया, मंगल तक संपर्क बना लिया, लेकिन पृथ्वी के गहराई तक नहीं जा पाया। तो ये उसके कैसे स्रोत हैं, जिससे ये बात पता चलता है कि जो जो अंदर जाएंगे तो क्या तापमान बंबई ऐसे होगा, ठीक, समझ में आया। दूसरा हमने क्या लिखा था, भूल गए, ये घनत्व क्या होता है, तो घन, हाँ सही बात, आप पूछे कि चलिए भी बता रहे हैं। जी क्या हुआ, वो जब भी वायुमंडल जो दाब होता है उसकी विपरीत दिशा में काम करता है, ठंडी में गर्म आएगा, गर्मी में ठंडा आएगा, गर्मी में कैसा आता है और ठंडी में, ठीक, वो बताएंगे, वो तापमान का नियम काम करता है, उल्टा काम करता है। हमारी बॉडी भी ऐसी होती है, अभी गर्मी चल पड़ रहा है, अपने हाथ टच करिए, ठीक, ठंडी में देखिएगा टच करके, ठीक, अरे खुद ही याद रखिए, ये तो छोटे मोटे सवाल हैं जिसका उत्तर आप स्वयं जानते हैं। ये घनत्व तो किसे कहते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे, ये घनत्व तो होता क्या है बताइए, हमको भी तो नहीं पता। सीधी सी बात है, आप आग 1 किलो का बटखरा लीजिए, हम उससे आपको मारे, और आप 1 किलो में रूई से मारे, दोनों का वेट 1 kg हो, सर किसका फटेगा, बटखरा वाले को तो रूई से मार खाएगा, जैसे हमने आपको बटखरे से मारा, आपने रूई से मारा, क्यों, जब दोनों का वेट 1 kg है तब, बटखरा क्या होता है, बाट होता है, वेट दोनों 1 kg है, दोनों 1 kg है,
ये घनत्व क्या होता है? अब आप समझ गए होंगे, आप लोग देखे होंगे जब लोग घूमने जाते जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश, तो आप बर्फ से मारते खींच खींच के, और हमारे जो ओला पड़ता है उसे खींच के मार दे किसी का, देखिए मार हो जाएगा, क्यों? सर फट जाएगा। और वहाँ उसे मारते हैं तो उसको हिमपात कहते हैं, इसे ओला कहते हैं। तो ओला हिमपात में क्या अंतर है? घनत्व का अंतर। किसका घनत्व माने? डेंसिटी। तो हमने ये देखा पृथ्वी का जो पूरा घनत्व है 5.52 पर पृथ्वी का घनत्व ग्राम प्रति सेमी क्यूब 5.52। जबकि पृथ्वी के जो क्रस्ट का घनत्व है, ये हिस्सा जो है इसका जो घनत्व है ये 2.4 से 2.5 तक। अगर आपके घर की औसत इनकम प्रति व्यक्ति आय 9,000 रुपया है और आप बेरोजगार हैं, इसका मतलब आपके घर में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसकी तनख्वाह 9,000 से ज्यादा हो। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 का औसत 3 है, इसका मतलब कोई संख्या ऐसी है जो 3 से भी बड़ी है। जब पृथ्वी का औसत घनत्व 5.52 या 5.0 है, इसका मतलब पृथ्वी में बहुत सारे स्थान ऐसे भी हैं जिसका घनत्व 5.52 से भी ज्यादा। इस प्रकार में कह सकते हैं कि ज्यों ज्यों पृथ्वी के गहराई में जाएंगे त्यों त्यों डी का मान, डी क्या होता है? डेंसिटी माने, बस मतलब ज्यों ज्यों गहराई में जाएंगे त्यों त्यों क्या होगा? घनत्व बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी का घनत्व क्या हो जाएगा? कष्ट पहुंचेंगे लगभग 13। इससे बात विदित होता है, इससे बात स्पष्ट होता है कि पृथ्वी के ज्यो ज्यो नीचे जाएंगे त्यों तो क्या होगा? घनत्व तो क्या होगा? बढ़ता। अब और आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर और आगे हम लोग पढ़ना का प्रयास करेंगे तो अगला आता है दबाव। अंग्रेजी में जब कहते हैं प्रेशर, कुकर वाला नहीं, कुकर वाला नहीं, दाब वाला, ये कैसे होता है प्रेशर कैसे? इसके लिए बहुत सारे फिजिक्स वाले इसमें अगर जो कोई होगा वो जानता होगा। कितने लोग फिजिक्स वाले हैं? पीसीएम जो हाई स्कूल इंटर पढ़े हो फिजिक्स हाई स्कूल में 9 में, तो वही तो हाई स्कूल वाले पूछ रहे हैं दबाव किसे कहते हैं, प्रेशर किसे कहते हैं, बताइए। तो बल क्या होता है? बल ऊर्जा। हमको फिजिक्स नहीं आती तो आप लोग हमको बहकाएंगे? फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे आप लिखित में तो पूछिए कौन से। हम ये देखते हैं कि पृथ्वी की ज्यों ज्यों अंदर जाते हैं मास बढ़ता जाता है, द्रव्यमान बढ़ता जाता है, इसलिए उसका दबाव भी क्या होता है। लेकिन बाद में समानता का खंडन किया गया। जैसे लाई जानते हैं आप लोग, जानते होंगे लाई, फूंक देंगे क्या होगा? उसे एक बार खूब दबा दीजिए, प्रेशर दबा दीजिए, फिर फूंकिए, तब उड़ने की गति क्या हो जाएगी? माने दबाव देने से उसका क्या होगा? घनत्व तो कम होगा। माटी से मारे और उसका ईंट बना दे तब मारे, आप सेम माटी ले माटी से मार दें, मिट्टी जानते हैं ना, अब उसका उसको जमा कर ले, खूब गोला कर ले, दबा दे कस के उसके बाद मारे, क्या कंडीशन है दोनों में? घनत्व। इसका मतलब दबाव से डेंसिटी बढ़ेगा और डेंसिटी से तापमान बढ़ेगा। मतलब पृथ्वी गहराई पे जाएंगे तो क्या होगा? दबाव, दबाव बढ़ेगा। कैसे दबाव बढ़ेगा? आपके ऊपर अगर 3 किलो लाद दिया जाए आराम से, 30 किलो
300 किलो, 3000 किलो, हाँ बैठ जाएंगे। कितने मोटाई कितनी हो जाएगी आपकी? 3 लाख किलो। अच्छा 300 नहीं जाएंगे, 3000 चले जाएंगे। इसका मतलब ये बात स्पष्ट हुआ कि दबाव देंगे तो आपकी जो हड्डी इतनी दिख रही है सब दबकती हुई एकदम पतले हो। तो दबाव के बाद घनत्व बढ़ता है और घनत्व से ये तीनों से अंतर संबंधित है, लेकिन भौतिक विज्ञान में इनका खंडन किया गया। फिजिक्स वाले जो तुरंत इसका विरोध करेंगे कि सर जी ये बात तो आपने सही बताया, लेकिन हर वस्तु का एक अंतिम रूप से घनत्व से ज्यादा पतला ऐसे हम ही है। अब महीनों ना खाएं, अब इससे कम कहाँ होंगे? और आप लोग खाना बंद कर देंगे तब भी आप लोग फूलते हैं, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। जैसे किसी वस्तु को अगर दबाया जाए उसका एक न्यूनतम होगा, उसके बाद कितना भी प्रेशर दीजिए उससे कम उसका डेंसिटी। इस प्रकार बाद में फिजिक्स इन सबका खंडन करता है, लेकिन प्रारंभ में यह माना जाता है कि दबाव बढ़ने से क्या होता, वेट बढ़ने से दबाव क्या होगा। इस प्रकार पृथ्वी के अंदर जाने पे, गहराई पे जाने पे दबाव भी लगातार क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्रेशर भी क्या लगातार बढ़ता है। यहां तक कोई समस्या होता पूछ लीजिए, नई समस्या है तो हम और आगे बढ़ें। यहां से प्रश्न क्या क्या बनेंगे? पहला प्रश्न, पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो इसका 5.5 है, 2 हमने ठंडी बुक से लिखवा दिया, या 6-7 किताब पढ़ते इकट्ठे बता देते हैं। 5.5 क्रस्ट का घनत्व, ये क्रस्ट होता क्या है? पृथ्वी क्या, जिस पर कौन रहता, गधा गधही मनई मने वह स्थान इसमें मनुष्य क्या करता है, पशु पक्षी रहते हैं, उसे हम कष्ट कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग, वो सब बाद में आएंगे भी, अभी उन लोग का अभी तो यही है। ठीक समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। पृथ्वी गहराई पे जाने पे तापमान, हाँ, और ऊपर जाने पर पहले तो मध्यमंडल तक था, हाँ पहले घटता है, कहाँ तक? मध्यमंडल तक, उसके बाद बढ़ता है। ठीक, इसी प्रकार अंदर भी है, एक क्रम से बढ़ता है, पहले ज़्यादा बढ़ता है फिर कम, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि दबाव के वजह से, प्रेशर की वजह से तापमान में किया अंतर में ही परिवर्तन। इस प्रकार हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना की व्याख्या बता दिया। आप प्रत्यक्ष स्रोत पे अगला टॉपिक हम लेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना प्रत्यक्ष स्रोत पे, उसके 2 हैं, पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है भूकंप। लेकिन एक तो हमने लिख दिया था पहला ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी पढ़ लेंगे, ज्वालामुखी क्या है, फिर पढ़ेंगे भूकंप, कि दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है, क्योंकि सिलेबस में अब आपके नहीं है। अब तो कहेंगे सर ये तो बाहर पढ़ा रहे हैं आप, हमको ये मत पढ़ाइए, तुरंत आदमी करेगा, लेकिन यह इनसे अभी 12 टॉपिक बाहर निकलेंगे, लेकिन मजबूरी है। अगर आपको बहकाना होता तो ये कह देते आज आपका सिलेबस खत्म हो गया, लेकिन मजबूरी है कि हम आपके चैन के लिए पढ़ा रहे हैं। हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि आपकी हमें खूब फीस देते रहे, जितना दिन बहकाते रहेंगे उतना दिन आप हमें फीस पेमेंट करेंगे। हम तय समय से पहले आपको पढ़ा के खत्म कर देंगे, मेरी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी चीज़, हम आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे, ये मामला नहीं कि आपने कितना पढ़ा, मान ये रखता आपने कितना स्कोर किया, तो कोई पढ़ना नहीं पूछता, आपने पूछता है लोग ने स्कोर कितना किया, तो हम स्कोर के पीछे भागते हैं और आप पढ़ाई के पीछे भागेंगे, फ़र्क इतना है। लेकिन आप आराम से ध्यान रख के पढ़िएगा और मंजिल तक दिन प्रतिदिन आप आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम जब स्रोत की बात करेंगे, आंतरिक स्रोत की बात, प्रत्यक्ष स्रोत की बात करेंगे, तो पहले पढ़ेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी कहाँ कहाँ उद्गार होते हैं और रिंग ऑफ फायर क्या है, फिर ज्वालामुखी का भूकंप से क्या संबंध है, भूकंप कहाँ कहाँ आते हैं, अच्छा भूकंप ज्वालामुखी से क्या होता है, तो एक से कंपन होता है पता चला, ज्वालामुखी उद्गार से बाद में चट्टान बनती है, फिर पढ़ेंगे चट्टान, चट्टान के प्रकार पढ़ेंगे, चट्टान के प्रकार पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे कि इंटरनल पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, तो पता चला आंतरिक संरचना इन सबके पढ़ने के बाद पता चलेगा रासायनिक आधार पर 3 प्रकार की है, सियाल सीमा नीफे, भूकंप के आधार पर भी 3 प्रकार से है, भूकंप के तरंगों के आधार पर 3 प्रकार से है, ठीक, कौन, क्रस्ट, मेंटल और कोर,
फिर इनके बारे में पढ़ेंगे पूरा, ये टॉपिक आपका खत्म होगा, फिर अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। मतलब यह टॉपिक केवल पृथ्वी के आंतरिक संरचना से था जिसका वितरण पूरे पृथ्वी पर है, और उन सभी तथ्यों को हमें एक एक करके क्रम से क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो अपच हो जाएगा, आराम से कम कम पढ़ते रहिए, गिलास पानी पीजिए, थोड़ा सा खाइए, फिर पानी पीजिए। जब जब खाना पेट भर जाता है, सामने भोजन बढ़िया रखा हो तो क्या कहते हैं, पानी पीते रहते, खाते रहते, पानी पी मतलब बैठा बैठा के खाते हैं ठीक, ताकि भोजन आप ज़्यादा कर सके। तो वही स्थिति है, आराम आराम से आप खाते चलिए। अभी ऐसे पूछेंगे सब कहेंगे मक्का रोटी खाते हैं, आधी रोटी खाते हैं, तो ये भले घर पे 20 खाएं। चलिए तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की अगला पार्ट इसका पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा पार्ट लंबा हो जाता है तो आप लोग को भी देखने में वीडियो असुविधा होती है। इस वजह से हम लोग पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को बहुत ज़्यादा, ज्वालामुखी तो वास्तव में बहुत डीप में है, लेकिन हम आपको शॉर्टकट में पढ़ाई ख़त्म कर देंगे ठीक। चलिए इंतजार करिएगा आप लोग अगले वीडियो का, तब तक सबको शेयर कर दीजिएगा। हाँ, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के लिए सर्च करिएगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, और ज्वाइन करिएगा इलेनिंग विद दुर्गेश, फेसबुक पेज भी इलेनिंग विद दुर्गेश है ठीक। अभी आप रुके रहिए क्योंकि अभी ये तो शुरुआत है, अभी मान लो इसी तरह कम से पढ़ते रहेंगे, लेकिन ये टॉपिक खत्म हो फिर अगले टॉपिक फिर शुरू करते हैं। अच्छा, ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 क्लास और नोट सारी व्यवस्थाएँ यहाँ उपलब्ध हैं ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।